आज जगाधरी में छछरौली में विजय संकल्प रैली हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया। कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। उम्मीदवारों पर विपक्षी दलों में अभी तक मंथन चल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि अभी तक विपक्षी दल अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए क्योंकि हार के डर से सभी पीछे हट रहे हैं और हार के डर की वजह से ही पूरा विपक्ष लामबंद हुआ है, एकजुट हुआ है। अयोध्या राम मंदिर पर कांग्रेस ने राजनीति की है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार विजय संकल्प रैली कर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। यमुनानगर जिले में ही 10 दिन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 बड़ी रैलियां। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। पिछली बार जो है भाजपा को 58% वोट मिली थी, तो इस प्रकार उसको किस प्रकार बरकरार रखेंगे आप? देखना, ये वोट परसेंटेज ये बहुत बड़ा अब बढ़ने वाला है। लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, मैं देख रहा हूँ आज कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी, उनके अंदर एक मंथन भी चल रहा है, डर भी है कि कहीं ना कहीं हम हार का मुंह हमें देखना पड़ेगा। और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने लगातार राजनीति की है। हमने तो उस भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर हुआ है। यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को एक किस्सा भी सुनाया और इस किस्से के जरिए ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को गति मिली है, जबकि पिछली सरकारें इस तरीके से विकास नहीं करवाती थी। उन्होंने कहा कि वो पूरी रात यमुनानगर में जाम में फंसे रहे थे और आज पंचकुला से चलकर 2.5 घंटे के अंदर आप आराम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। स्टाफ को कहा, मतलब पता तो करो, पुलिस वाले खड़े थे, जाम कितना लंबा है, तो कहने लगे, उन्होंने पूछ का बताया भी है तो शुक्र मिल से भी आगे से जाम लग जाना, और ये सारी रात नहीं खुलता। मैंने कहा या तो दिक्कत है कि यहाँ जाम में फंसा रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा, मगर रास्ता पूछो नजदीक का और कौन सा, दूसरा रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। तो मेरे को कहने लगे कि आपको एक ही रास्ता है कि यहां से आपको मेरठ जाना पड़ेगा और मेरठ से शामली होकर के करना लाना पड़ेगा। मेरे को यह बताया, मैंने सोचा मगर यह तो सारी रात का ही खड़ा छिड़ गया, और मेरे ध्यान में आई बात भी, मखा ये शाहजहांपुर से मैं दादूपरा निकल जूंगा, एक रास्ता था वहां। मैंने अपने स्टाफ को कहा, मखा गड्डी पर मोड़ लो और दादूपरा निकल जाएंगे जाके। मैं सारी रात सड़कों पर घूमता रहा, सवेरे 5 बजे दादूपरा निकल आया का ये हालात है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने विवादित बयान दिया था। माजरा ने न सिर्फ उन पर विवादित टिप्पणी की बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी जुबानी हमला किया था और कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री को किसानों से डर लगता है, ऐसा पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुआ। इस पर बीजेपी ने उनके बयान की निंदा की है। राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने कहा कि माजरा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और मर्यादित शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज का मुख्यमंत्री भूतपूर्व हो गया, जो गया था कैमला गांव में, गया हेलीकॉप्टर लेकर के, किसानों ने, मजदूरों ने, खेती और लोगों ने डंडे उठा लिए, नट उठा लिए और रोड पत्थर इकट्ठे कर लिए, कहने लगे जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा तो इसके हेलीकॉप्टरों का स्वागत किया जाएगा। ऊपर से ही उड़ान भर गया कैमला गांव से, गए थे नारनौल में, जा करके
वहां के किसानों ने, मजदूरों ने एक रात और एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बंदी बना करके रखा था और आज ये कहता है कि मुझे जेट्स फोर भी दी जाए क्योंकि मुझे किसानों से डर लगता है, क्योंकि मैंने किसानों को अनाप शनाप उनके जले पे नमक छिड़का हुआ है। तो जेट सिक्योरिटी देने के लिए भी इस अन्नदाता से आज इनको डर लगता है। देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिटिसाइज करना और इस तरह का मनुष्य शब्द कहना तो निंदनीय है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, मर्यादित शब्द ही अच्छा लगता है एक प्रकार से। और मनुष्य शब्द जहां तक है तो हम उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। उसने इस शब्द को लेकर के, माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश का विकास किया 9.5 साल में, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां दी हैं, इतनी सारी योजनाएं यहां चलाई हैं, तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। रामपाल माजरा को मैं कहना चाहूंगा, इस तरह का जो बयान किया है वो निंदनीय है। सुभाष बराला ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। उन्होंने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़वाएंगे। इसको लेकर सुभाष बराला ने कहा कि कौन लड़ने वाला है और कौन लड़वाने वाला है ये बाद में तय होगा। हुड्डा ने जो बयान दिया था उसी पर ये जवाब सुभाष बराला की तरफ से। उधर जब उनसे पूछा गया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज है, इस पर कहा कि कोई नाराज नहीं है, विज अपना काम कर रहे हैं। देखिए, कौन लड़ने वाले में से है, कौन लड़वाने वालों में से है, ये हम तो तय करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही पिछले चुनाव में जिन लोगों को भी मैदान में उतारा था, हरियाणा की जनता ने उनको जो भी दिया सबको पता है, यानी कि ये सब लोग मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला था। इन लोगों को लगता है कि इस बार भी उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने वाला है और इसलिए पीछे हट रहे हैं। कोई नाराज नहीं है। वीर साहब कितनी बार मीडिया के सामने आते हैं, वीर साहब अपना काम कर रहे हैं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने हमेशा काम किया है, चाहे वो विधायक रहे हों, विपक्षी नाते भूमिका में रहे हों, या सत्ता में आने के बाद वो लगातार मंत्री के पद पर उन्होंने काम किया हो, तो उन्होंने सारी जिम्मेवारियां निभाते निभाते कार्यकर्ता का भाव उनके मन के अंदर हमेशा रहा है, इस आधार पर काम किया है। इसलिए वो लोग मुगालते में ना रहें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से कोई नाराज होता है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां युवक को अगवा कर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पहले कुछ युवकों ने इसके साथ मारपीट की, घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में भर्ती युवक को फिर से किडनैप किया गया। अस्पताल के सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है, कैसे पहले युवक को पीटा, जब अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया तो आरोपी वहां पहुंच गए, वहां पर भी उसे किडनैप किया गया, अगवा कर उसकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस का बयान अभी तक इस मामले पर ये कि शिकायत नहीं मिली है। ये पूरी वारदात जो थी अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है।